विपक्ष शीत सत्र के पहले दिन से ही किसानों के मुद्दों को लेकर आक्रामक है। आज दूसरे दिन भी विपक्ष किसान के मुद्दे पर आक्रामक दिखी। जब सदन विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को उठाया तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, इस कारण आज सभा त्याग किया गया। इसी श्रृंखला में खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए डालते एक नजर। विधायक यशोमती ठाकुर जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि अभी जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सभा त्याग किया है, क्या बताओगे इस पूरे मामले? सरकार गंभीर नहीं है शेतकऱ्यांच्या विषयाबद्दल। विरोधी पक्ष नेत्याला बोलू देत नाही, आमचा आवाज त्या ठिकाणी दाबून ठेवतात आणि अरेरावी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, असं नाही चालत। लोकशाही आहे इथे, काय हिटलरशाही अजून यायची आहे देशामध्ये? ते यायच्या आधी जे लोक हिटलरशाही इथं गाजवत असन तर कोण सहन करणार आहे? आम्ही नाही सहन करणार। पिछले साल भी हमने देखा था कि आपने ऐसा ही कहा था कि विरोधक को बोला नहीं दिया जाता है, ये मुद्दा आज भी फिर आपने उठाया है, तो हर साल ऐसा होता रहेगा तो किस तरह से सदन की ऐसा है? ये हाउस के अंदर तो बोलने देना ही चाहिए, और इस हाउस की ऐसी प्रथा है कि विरोधी पक्ष नेता उठा कि लाइट शुरू होता है। ये लोग लाइट भी नहीं शुरू करते, माने माइक शुरू होता है। ये लोग अपमान ही करना चाहते हैं, ये किसी चीज़ के बारे में ये गंभीर नहीं है। तो जिस तरह से आज जो सभा त्याग हुआ है विपक्ष की ओर से, तो यशोमती ठाकुर हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष को जो है बोलने का मौका नहीं दिया जाता, सदन में जो है माइक भी शुरू नहीं किए जाते हैं, और इसीलिए जो है आज ये सभा त्याग हुआ है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।